नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज, खबर नालंदा से है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव नालंदा के हिलसा विधानसभा के थरथरी में पार्टी के उम्मीदवार राजू दानवीर के लिए विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने नालंदा महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर कहा कि हमारी सरकार आई तो जो भी माँ बहनों को छेड़ेगा उसे सीधे गोली मरवा देंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखें इस रिपोर्ट में। किसी बेटी को छेड़ते थे क्या? बाजार में किसी दुकानदार को धमकाते थे क्या? जात पात करते थे क्या? किसी जात को गाली देते थे क्या? हिंदू मुसलमान करते थे क्या? उसी दिन जापान और दुबई के तट पर पप्पू यादव उस परिवार का पूरा वोटर लिस्ट से नाम काट देगा। इतना नहीं करेंगे, सरकारी सारी सुविधा छीन लेंगे, बिजली, पानी, बैंक, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जो आपकी जिंदगी में दखल देगा, मौत से बदतर लाइफ बना देंगे। इसी भी हाँ। मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मुझे आता है दुनिया जीने के। मैं वैसे अमेरिका नहीं पढ़ती, हमको कोई शौक नहीं था। सब ऐसे दिन में बैठने वाला सब नेता पॉजिटिव हो गया और हम 70 लाख से मिले आज तक निगेटिव है। सर, मैं हिलसा की धरती पर हूँ, हिलसा विधानसभा में, और भी थरथरी की धरती पर हूँ। यदि हिलसा बदलेगा तो बिहार जरूर बदलेगा, और हिलसा इस बार परिवर्तन की ओर जा रही है और हिलसा इतिहास रचने की ओर जा रही है। इस बार जात पात से ऊपर उठ के हिलसा विधानसभा वासियों जो भी हैं, सभी जात पात से ऊपर उठ के, भेदभाव से ऊपर उठ के वोट करने जा रहे हैं, और वोट करने जा रहे हैं अपने सेवक को राजू दानवीर को कैंची छाप पर।